हम लाते हैं टॉप न्यूज, आपके फेवरेट टॉक शोज और अनलिमिटेड एंटरटेनमेंट सिर्फ यूट्यूब पर। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। सब्सक्राइब कीजिए और हम आपको लिए चलेंगे आपकी फेवरेट वीडियो की तरफ। सुप्रीम कोर्ट ने इमरान खान नाअहली केस का फैसला महफूज कर लिया। फैसला जल्द आने की तवक्को न रखें, चीफ जस्टिस के रिमार्क्स। ये भी कहा, झूठ और सच को परखा जाएगा, कोई चीज रह जाए तो फरीकैन तहरीरी सूरत में दे सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने जहांगीर तरीन नाअहली केस का फैसला भी महफूज कर लिया। जहांगीर तरीन के पहले तहरीरी जवाब और ट्रस्ट डीड में तसाद है। जहांगीर तरीन ने बराहे रास्त रकम ऑफशोर कंपनी को भेजी, रकम ट्रस्ट को नहीं भेजी, चीफ जस्टिस के रिमार्क्स। इमरान खान इंसदादे दहशतगर्दी अदालत में पेश। पीटीवी, पार्लियामेंट और एसएसपी हमला केस समेत चारों मुकदमात में जमानत मंजूर। कहते हैं शफाफ इंतखाबात के लिए पुरअमन एहतजाज कर रहा था। पुरअमन एहतजाज करने पर दहशतगर्दी का मुकदमा बना दिया गया। एहतसाब अदालत ने इसहाक डार के नाकाबले जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए। मुलजम अदालत में पेश क्यों नहीं हो रहा, जज का इस्तफसार। सेहत याबी में 4 से 6 हफ्ते लगेंगे, जामिन का जवाब। समाअत 21 नवंबर तक मुलतवी। हसन हुसैन नवाज को इश्तिहारी करार देने की तामीली रिपोर्ट एहतसाब अदालत में पेश। तफ्तीशी अफसर ने बताया मुलजमान जानबूझकर पेश नहीं हो रहे। दोनों की एलडीए और डीएचए में कोई प्रॉपर्टी नहीं। हुसैन नवाज के 4 बैंक अकाउंट्स हैं जिनमें यूरो और डॉलर्स भी मौजूद हैं। समाअत कल तक मुलतवी कर दी गई। नवाज शरीफ लाहौर से इस्लामाबाद के लिए रवाना हो गए। बरास्ता मोटरवे वफाकी दारुल हुकूमत पहुंचेंगे, कल एहतसाब अदालत में पेश होंगे। पंजाब हाउस में लीगी रहनुमाओं के साथ बैठक भी होगी। नवाज शरीफ ने 3 रेफरेंसेस यकजा करने से मुतालिक दरखास्त मुस्तरद करने का एहतसाब अदालत का फैसला इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया। फैसला जल्दबाजी में दिया गया, दरखास्त में मौकिफ। भारतीय रवैया किसी भी वक्त जंग का बायस बन सकता है। एलओसी पर सीज फायर की 1200 से ज्यादा खिलाफ वर्जियां हुई, जिससे 1000 पाकिस्तानी और 300 फौजी शहीद हुए। किसी भी किस्म का गलत अंदाजा खतरात का बायस बन सकता है। अफगानिस्तान में दहशतगर्दों के ठिकाने मसाइल की जड़ हैं। चेयरमैन ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल जुबैर महमूद हयात का इस्लामाबाद में तकरीब से खिताब। अफगान सरजमीन से दहशतगर्दों के हमले में शहीद कैप्टन जुनेद की इस्लामाबाद में नमाज जनाजा अदा। बर्मा टाउन में फौजी एजाज के साथ सुपुर्द खाक कर दिया गया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने आइंदा समाअत तक इंतखाबी इस्लाहात बिल मुअत्तल कर दिया। अदालत में बिल में खत्म नबूवत से मुतालिक शिकों में तरमीम का मामला ज़ेरे गौर है। कोयटा में वजीर आजम शाहिद खाकान अब्बासी की जेर सदारत इजलास, वजीर आला और सूबाई वजरा शरीक। अमन अमान से मुतालिक उमूर पर तबादला ख्याल। फैजाबाद में तहरीके लबैक पाकिस्तान का धरना 7वें रोज भी जारी। दफातर और स्कूल जाने और आने वालों को शदीद मुश्किलात का सामना, मिनटों का सफर घंटों पर मुहित। सिंध असेंबली के इहाते में अरकान की गाड़ियों की धुलाई के लिए सर्विस स्टेशन बन गया। कोई फिसले या संभले किसी को परवाह ही नहीं, न ही कोई पूछ रहा है।
मुल्क भर में एलपीजी की कीमत में 5 रुपए फी किलो इजाफा। कराची और लाहौर में कीमत 110 और गिलगित बल्तिस्तान में 160 रुपए फी किलो हो गई। पंजाब वालों ने सुख का सांस ले लिया। मुख्तलिफ मकामात पर बारिश से फिजा निखर गई। कई दिनों से फिजा में छाई स्मोक की शिद्दत भी कम। रूसी सदर मगरबी ममालिक में इख्तलाफात पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं मगर वो कामयाब नहीं होंगे। रूस साइबर जासूसी में भी मुलव्वस है। बरतानवी वजीर आजम ट्रेज़ा मे का इल्जाम।